हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पी है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो कमेंट देते रहें और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं बता दूँ कि आज का जो मैं ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ, आज का नुस्खा लेकर आई हूँ वो है क्या, और आज मैं किस बारे में बात करूँगी, किस बारे में डिस्कस हम। आज का जो देसी नुस्खा है वो हेयर केयर पे है और मैंने पहले भी इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उनमें बहुत सारी वीडियोस में हेयर केयर पे बात करी है। और आप अपने हेयर को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, आप रूट्स को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इन सब पे मैंने बात करी है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे आपके बाल हेल्दी बन सकते हैं उन पे बात करी है। लेकिन आज जो मैं नुस्खा लेकर आई हूँ, आज जो मैं ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ वो भी बहुत ही नेचुरल है और सबसे पहले इस समस्या से आपको निजात दिलाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आजकल लोगों में बाहर पॉल्यूशन में के संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा आपके बाल जो हैं वो रूखे हो रहे हैं, जड़ें जो हैं वो बिल्कुल मजबूत नहीं रह गई हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है और लोगों में सबसे ज़्यादा गंजेपन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज जो मेरा मेन मकसद है इस नुस्खे को बनाने का वो है गंजेपन और जो आपके रूट्स खाली हो रहे हैं और रूट्स आपके मजबूत नहीं हो रहे हैं उन पे कैसे हम निजात पा सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो आज का जो हमारा ब्यूटी टिप्स है, आज का जो देसी नुस्खा है वो क्या है तो और उसका असर कितना होने वाला है, तो वो बिल्कुल नेचुरल है और आपके घरों में आराम से वो मिल जाने वाली चीज़ है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें आपके बीच लाऊँ जो बिल्कुल हर्बल हों, बिल्कुल नेचुरल हों और आपके किचन में अवेलेबल हों, जिनसे आप अपने बालों को, अपने स्किन हेल्दी बना सकें। तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं ऐसी चीज़ें लाती हूँ कि आपको आसानी से मिल जाए। तो आज का नुस्खा क्या है, चलिए उसके बारे में बता दूं कि वो है क्या। सो आई थिंक जिंजर सभी ने देखा होगा, जिसे अदरक बोलते हैं। और अदरक अधिकतर लोग आप खाने में या चाय में डाल के पीने में या बहुत सारी ऐसे ड्रिंक्स आती हैं उनमें भी डाला जाता है इसका जूस। तो लोगों ने अक्सर इसको खाने पीने के यूज़ में लाया है। लेकिन ये कैसे आपके बालों में गंजेपन की समस्या को दूर करके आपके बाल और हेल्दी बनाएगा, जड़ें मजबूत करेगा, रूट्स को मजबूत करेगा, स्कैल्प में अगर डैंड्रफ वगैरह है उनको कम करेगा। सो मेन इसका मकसद है हेयर फॉल को रोकना और गंजेपन को रोकना। तो इन सबसे आपको कैसे निजात दिला सकता है उसके बारे में बात करूँगी। सो आज मैं आपको अदरक से एक मास्क बनाऊंगी, हेयर मास्क बनाऊंगी, जिसको आप यूज़ करके अपनी गंजेपन की समस्या को, अक्सर लोगों में आगे की तरफ गंजेपन की समस्या होती है इस तरफ पे या साइड कॉर्नर पे, तो उनसे आप कैसे निजात पा सकते हैं। सो मैंने अदरक लिया, अदरक का एक टुकड़ा मैंने ले लिया, थोड़ा बड़ा सा आप टुकड़ा ले सकते हैं जिस हिसाब से आपके बाल हों। अगर आपके बाल छोटे हैं तो छोटे टुकड़े से ही काम चल जाएगा और आपके बड़े हैं तो पूरा आपको एक उसका बड़ा टुकड़ा लेना पड़ेगा अदरक का। और उसको लेकर आपने क्रश कर लिया या आपने उसको मिक्सी में पीस लिया, इसका जूस मुझे निकालना है। तो पानी बिल्कुल ना डालें। तो अगर इसका जूस आसानी से निकालना है तो आप जिसमें अदरक कूट के चाय में डालते हैं तो जो छोटी छोटी कुटनी आती है उनमें आप अदरक को कूट लें। और किसी भी, अगर आप हाथ से भी करके आप जूस निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा, नहीं तो आप किसी भी कॉटन के कपड़े से जूस निकाल सकते हैं और आपको ऐसा जूस निकल आएगा। ब्राउन कलर का मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्राउन कलर का आपको जूस ऐसा मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का आपको जूस मिलेगा। आपको शायद दिख भी रहा, तो ब्राउन कलर का आपको इस टाइप से जूस निकल आता है। अदरक का जूस आई थिंक बहुत लोग निकालते होंगे, क्योंकि कभी कभी सर्दियों में लोगों को खांसी की प्रॉब्लम हो रही है और बच्चों में अक्सर ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो लोग उसमें भी काढ़ा बनाने और इसका जूस निकाल के पीने में काम लाते हैं। लेकिन आज हम इसको बालों पे कैसे यूज़ करेंगे और गंजेपन से कैसे निजात पाएंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हो सके तो आप इस जूस को निकाल के और डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें कुछ चीज़ें और एड ऑन करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो मैं इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर लेती हूँ। सिंपल आपने कॉटन बॉल लिया और आपकी जड़ों में आपने सिंपल आपने ऐसे ऐसे करके लगा लिया, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। और इसको थोड़ा रब करते हुए आपको लगाना है बालों में, जिससे आपको डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम होगी हट जाएगा। बाल में जैसे जड़ें खाली हो रही हैं, जगह जगह पे गंजेपन की समस्या हो रही है और आजकल गंजेपन की समस्या चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बच्चे तक को इन्फेक्ट हो रही है, तो ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और कोई भी उम्र का व्यक्ति इसको लगा सकता है, यूज़ कर सकता है, बिल्कुल नेचुरल है। इसको आपने सिंपल लिया कॉटन बॉल में और इसको आपने अपने रूट्स खोल खोल के ऐसे लगा लिया, ठीक है, बालों की लेंथ तक में आपने आराम से इसको अप्लाई कर लिया। और इसको कम से कम 1 से 2 घंटे छोड़ दें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये आपके बालों पे असर करेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो इसको आप जितना हो सके देर तक छोड़ दें, 1 से 2 घंटे छोड़ दें तो भी अच्छा है। उसके बाद आप कोई भी पैराबिन फ्री शैम्पू यूज़ कर लें। अगर नहीं सेम डे आपको शैम्पू यूज़ करना है और भी ज़्यादा इसको लाइक आपके बालों में रहने देना है या उसका असर रहे, तो आप उस दिन शैम्पू मत करें, अवॉइड करें। वैसे भी कोई ऐसी हर्बल चीज़ लगाने के बाद शैम्पू अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी ऐसा कहीं जाना नहीं है तो आप उस शैम्पू को उस दिन मत लगाएं। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आप शैम्पू कर लें ऑयलिंग करके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे बालों में रूट्स में लगा लिया और उसके बाद मैंने 1 घंटे छोड़ दिया और उसके बाद आपने वॉश कर लिया बाल को। अगर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी तो वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो करना क्या है, आपके पास आपके घरों में मेथी दाना तो सभी के घरों में होता है, तो मेथी दाने को 1 रात पहले भिगो देना है और भिगोने के बाद उसको पीसना वगैरह कुछ नहीं है। उसका वो पानी अपना छोड़ेगा, क्योंकि मेथी दाने को आपने जिस पानी में भिगोया है हो सके तो आप पीने वाले पानी में भिगोएं ताकि उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेथी को आपने थोड़ा सा मेथी लिया, आपने मेथी दाना लिया, उसको आपने 1 रात पहले सोक कर दिया पानी में, और जो उसका पानी निकलता है दूसरे दिन वो पानी थोड़ा सा येलोइश हो जाता है और वो निकलता है, उसको 1 से 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर दें। तो मैंने वो पानी 1 दिन पहले सोक कर दिया था और उसका पानी निकला, तो मैं उसको वो भी इसमें ऐड ऑन कर दूँगी। और मैंने थोड़ा सा भी डाल दिया क्योंकि मेरा भी जो जूस है वो थोड़ा कम है। और अगर आपका जिस हिसाब से जूस हो उसमें आप 2 से 3 चम्मच 4 चम्मच, क्योंकि दोनों चीज़ें ही हर्बल हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो आराम से आप इसको अपने हिसाब से बैलेंस बना सकते हैं कि कैसे क्या डालना है। और मैं इसको पर्टिकुलर ऐसे ही यूज़ करती हूँ, जब मुझे मेथी दाना अगर मैंने 1 रात पहले मुझे याद रहा तो मैंने सोक कर दिया तो मैं उसको भी ऐड कर लेती हूँ, नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली भी यूज़ करती हूँ। और दोनों चीज़ मिलाकर यूज़ करने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोनों ही बालों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि आपके बाल के जितनी भी बालों की समस्या है उन सबको कम करता है। तो इसको आप पूरे बालों में अप्लाई कर लें। इसको मिक्स करने के बाद भी मैं आपको दिखा दूं कि इसको आपने अप्लाई कर लिया, क्योंकि ये समस्या आई थिंक सभी के संग हो रही है, तो कोई भी लगा सकता है। और अप्लाई करने के बाद 1 घंटे छोड़ने के बाद इसको आप वॉश कर लें। और इसी तरह हफ्ते में 2 बार, जितनी बार भी आप बाल धुलने जाएं, या हफ्ते में 2 बार ऐसे ही आप लगा लें, और महीने में कम से कम 5-6 बार अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपके बाल वैसे ही नेचुरली बहुत हेल्दी हो जाते हैं। बालों से की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, उनसे आपको निजात मिलेगा। तो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा होता है, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगी 1 बार जाकर इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठाएँ। सो मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरी वीडियो में बने रहें।